जय श्री राम मित्रों। महर्षि अगस्त श्री राम जी को राक्षस वंश की कथा सुनाते हैं। महर्षि अगस्त जी ने श्री राम जी को राक्षस वंश की कथा सुनाते हुए बताया कि श्री विष्णु भगवान ने राक्षसों को हरा कर उन्हें लंका व सभी स्थानों से खदेड़ते हुए रसातल तक भगा दिया था। श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार कुबेर के लंका के अधिपति होने के बाद रसातल से राक्षस आकर लंका में बसने लगे थे। तीनों प्रमुख राक्षसों माली, सुमाली और माल्यवान में से माली श्री विष्णु जी से युद्ध में मारा गया था। तब बाकी दोनों राक्षस राज सुमाली और माल्यवान भी रसातल से निकल आए। धनपति कुबेर की शान शौकत व सम्मान देखकर राक्षस राज सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी को कुबेर के पिता मुनि विसर्वा को मोहित करके कुबेर के समान पुत्र प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। कैकसी सायंकाल जब मुनि विसर्वा संध्या कर रहे थे उनके पास पहुंची और उनसे अपने आने का उद्देश्य बताया। मुनि ने पहले उसे सायंकाल का समय होने की बात कहकर चेताया कि इस समय की संतान भयंकर कर्म करने वाली होगी, परंतु फिर उसे स्वीकार किया। शास्त्रों में वर्जित समागम के लिए सायंकाल का समय होने के कारण उसने भयंकर स्वरूप व कर्म वाले दशानंद रावण, अत्यंत विशाल शरीर वाले कुंभकर्ण और विभीषण तथा एक कन्या शूर्पणखा को जन्म दिया। राक्षसों को भगवान शंकर जी के वर के प्रभाव से सभी तुरंत युवा हो गए। कुछ समय बाद लोकपाल धनपति कुबेर अपने पुष्प विमान पर बैठकर अपने पिता महर्षि विसर्वा के दर्शन करने आए। तब कैकसी ने कुबेर के वैभव को दिखाकर अपने पुत्रों रावण आदि को तपस्या करके वर प्राप्त करने को प्रेरित किया। श्री राम जी के पूछने पर श्री अगस्त्य जी ने बताया कि तीनों भाइयों ने अपनी रुचि के अनुरूप अलग अलग प्रकार से तपस्या की। दशानन रावण ने उपवास रखकर तपस्या की थी तथा एक एक कर अपने 9 सिरों को काटकर अग्नि को भेंट कर दिया। जब 10वां सिर भी काटने को उद्दत हुआ तब श्री ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। रावण के अमृतत्व मांगने पर श्री ब्रह्मा जी ने इसे असंभव मानकर इनकार कर दिया। तब रावण ने गरुण, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं से अवध्य होने का वर मांगा। इसमें मनुष्य और वानर शामिल नहीं थे क्योंकि वह इन्हें तिनके के समान मानता था। श्री ब्रह्मा जी ने उसे मन मांगा वर देने के साथ ही अपनी ओर से उसके जले हुए 9 मस्तकों के पुनः प्रकट होकर उसे मिल जाने तथा अपने मन माफिक रूप बदलने का भी वर प्रदान किया। विभीषण ने वरदान में प्रभु की भक्ति मांगी तथा कहा कि भगवान बड़ी से बड़ी आपत्ति में पड़ने पर भी मेरी बुद्धि धर्म में लगी रहे, उससे विचलित ना हो तथा बिना सीखे ही मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाए। प्रजापति श्री ब्रह्मा जी ने उसे वर देते हुए कहा, जो धर्म में अनुरक्त हैं, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है और राक्षस योनि में उत्पन्न होने के बाद भी तुम्हारी बुद्धि अधर्म में नहीं लगती है, इसलिए मैं तुम्हें अमृतत्व प्रदान करता हूँ। फिर श्री ब्रह्मा जी कुंभकर्ण की ओर वर देने के लिए उद्दत हुए, तभी सभी देवता हाथ जोड़कर उनसे बोले, प्रभु आप कुंभकर्ण को वरदान न दीजिए, यह दुर्बुद्धि राक्षस समस्त लोगों को त्रास देता है। इसने नंदन वन की 7 अप्सराओं, देवराज इंद्र के 10 अनुचरों और बहुत से ऋषियों और मुनियों को खा लिया है। वर पाने पर यह तीनों लोगों को खा जाएगा, इसलिए इसे वर की जगह मोह प्रदान कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने श्री सरस्वती जी का स्मरण किया जिन्होंने उसकी बुद्धि को मोह में डालकर फिरा दिया। इसलिए कुंभकर्ण ने वर मांगा, देवादिदेव मैं अनेकों वर्षों तक सोता रहूं, यही मेरी इच्छा है।
रावण आदि को वर प्राप्त हुआ है। यह जानकर उनके नाना महाबली राक्षस सुमाली अपने मंत्री मारीच, प्रहस्त, विरूपाक्ष और महोदर तथा अन्य राक्षसों के साथ रोष से भरे हुए निडर होकर रसातल से निकल आए और वे सब रावण के पास आकर बोले कि जहाँ कुबेर निवास कर रहे हैं वह सोने से बनी हुई लंकापुरी हम राक्षसों की ही है, जहाँ से विष्णु जी के डर से हम सब भाग गए थे, अब उनका डर नहीं है, इसलिए वही राजधानी बनाकर निवास करना चाहिए। पहले रावण संकोच में रहा, परंतु फिर उसने प्रहस्त को दूत बनाकर कुबेर के पास भेजकर कहलवाया कि लंका हमेशा से निशाचरों की ही है, इसलिए इसे खाली कर दे। कुबेर ने अपने पिता से परामर्श किया। वर के प्रभाव से अत्यंत शक्तिशाली हो चुके रावण का विरोध करना संभव न जानकर पिता के कहे अनुसार कुबेर ने अपने अनुचरों सहित लंका को खाली कर दिया तथा कैलाश पर्वत पर अपने लिए बहुत ही सुंदर अलकापुरी का निर्माण कराकर वे वहां रहने लग गए। फिर लंकापुरी में बहुत शान से राक्षस राज रावण का राज्याभिषेक हुआ और लंका राक्षसों से भर गई। तो बोलो जय श्री राम। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा नया प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।